चलिए जी, हमने कल बात की थी बेटा कि ये भव्या आपने मुझे बताना है, ये क्या है? ये जब कॉइल होता है तो क्रोमेटिड बनाता, ये पहले क्या बनेगा, फिर उसके बाद हम लेट अस से एक ये बना और फिर ये बना, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये क्या है भव्या, व्हाट इज दिस? क्रोमेटिन? नहीं बेटा, ये डीएनए है। उसके बाद इसकी कॉइलिंग होती है सरगम, जब ये कॉइल कर जाता है तो फिर ये क्या बनता है? हम क्रोमेटिन। दिस इज क्रोमेटिन। और मैंने बताया था कि जो सेल्स नॉन डिवाइडिंग सेल्स है उसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो कॉइल्ड होता है, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए छोटी जगह में नहीं रह सकता, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है, तो उसमें अगर डीएनए अनकॉइल्ड होके उसमें एडजस्ट नहीं कर सकता, तो उसे कॉइल होना पड़ता है, क्रोमेटिन बनाता है। एंड इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स द डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। बट जब डिवीजन हो तो एग्जैक्ट डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अगर बहुत सारे ऊन, ऊन के गोले पता है, ऊन ही होते हैं ना, हाँ, वूल के जो बॉल, वूल है, वूल के धागे एक दूसरे से उलझे पड़े हैं, ठीक है ना? तो अगर आपने उन सबको अलग अलग करना हो तो आप क्या करते हो? यस, सक्षम, बहुत सारे ऊन, आपकी मम्मा स्वेटर बनाती होंगी या दादी माँ नानी माँ स्वेटर बनाती होंगी, तो वो बहुत सारे हरे लाल पीले मरून रेड वो उलझे पड़े हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकोइल्ड से है। अगर उनको अलग अलग करना हो तो सक्षम क्या किया जाता है? मैम हटा देंगे, मतलब कैसे हटाएंगे, मतलब उसको इजीली करने के लिए क्या करते हैं हम? हम उसके क्या करते हैं, हम बॉल्स बनाएंगे कि नहीं, उनके बॉल्स बनते हैं कि नहीं? यस मैम। तो हम उसको कॉइल करते हैं, हम उसके बॉल्स बनाते हैं, ठीक है, कॉइलिंग है, कॉइलिंग से वो छोटा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, राइट? यस। तो इस तरह से जब हमने क्रोमोसोम्स को, जब रेस्टिंग फेज में है तो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन जो है एक दूसरे से उलझे पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब डिवीजन होनी है तो क्रोमोसोम्स एक ने इस पोल पे जाना है, एक ने इस पोल पे जाना है, ये होना है वो होना है, अलग अलग सेपरेशन होनी है, तो उसलिए सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उसको रोल करेंगे, उसको कॉइल करेंगे। तो कॉइलिंग में जब क्रोमेटिन कॉइल करता है तो ये बनता है क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड अल्टीमेटली कॉइल करके डिस्टिंक्ट क्या बनाता है, क्रोमोसोम। इज इट राइट? तो इस तरह से होता है क्रोमेटिन, दोबारा से मैं बता रही हूं, इन रेस्टिंग सेल्स, इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स दीज आर नॉट प्रेजेंट, दिस स्टेज ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। कहते तो हम क्रोमोसोम ही है, बट दिस स्टेज क्रोमेटिन फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल, बट व्हेन द सेल्स आर इन द डिवीजन फेज देन क्रोमेटिन कॉइल टू फॉर्म क्रोमेटिड एंड क्रोमेटिड कॉइल्स टू फॉर्म द क्रोमोसोम। इज इट ओके? ये पता चला। अब नाउ क्रोमोसोम्स में या जेनेटिक मटीरियल या हम कहते हैं जीन्स, What are genes? Genes जो है, these are the small segments of chromosomes. हम बेटा अब general term, जरूरी नहीं आप कहोगे आप chromosome use कर रहे हो, हर cell divide थोड़ी कर रहा है, नहीं, अब हम general term chromosome ही use करते हैं, ठीक है, चाहे वो condensed है या नहीं, but in general we use the term chromosome. Small segments of the chromosome.
रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक करेक्टर. Is called as G. ठीक है. अब क्वेश्चन मेरा है हरगुन, आप बताओ बेटा, हाउ डू जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्फ. हमें कैसे पता चलता है कि जीन किसी करेक्टर को कंट्रोल कर रही है? डीएनए नहीं, डीएनए से तो बनी हुई है, वो तो ठीक है, बट ये वाली जीन ये करेक्टर ही कंट्रोल कर रही है, ये हमें कैसे पता चलता है? How do genes express themselves? ये बताइए. कौन पता नहीं. हाँ जी, कौन बता रहा है मुझे? मैम सेट की हाइट से. मयंक बता रहा है. हाँ जी मयंक, आप बताइए. मैम उनके हाइट से. हाँ, हाइट वाइट से नहीं पता चलता, साइज से नहीं पता चलता. एक्सप्रेस कैसे कर रही है? एनीबडी? अर्शप्रीत. मैम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. नहीं नहीं बेटा, जीन्स कैसे एक्सप्रेस करती है बेटा? जीन्स एक्सप्रेस दे, ये टेंथ में भी पढ़ा हुआ है बेटा आपने, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय सिंथेसाइजिंग. क्या बनाती है, किस चीज की इंफॉर्मेशन इनके पास है बेटा? जीन्स के पास प्रोटीन्स की. बिल्कुल ठीक है मैम. बाय सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स. अगेन पहले मेरी बात पूरी सुनोगे ध्यान से, उसके बाद लिखोगे. आई विल गिव टाइम टू एवरीबडी. ठीक है. दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन विच कंट्रोल वेरियस रिएक्शन. क्योंकि रिएक्शंस कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम्स. और एंजाइम्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं. इज इट राइट? ठीक है. तो ये है जीन. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जीन वर्सेस सिस्ट्रॉन. बेटा ये जीन है, दिस इज ए जीन, बट जीन विच फॉर्म्स पहले ये क्या बनाएगी? एमआरएनए. और फिर ये बनाएगी, एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन लेटर से. बट इस जीन को रेगुलेट करने के लिए यहां पे These are, इनको हम रेगुलेटरी जीन्स कहते हैं. Which do not form mRNA या protein, but controls function of स्पेसिफिक जीन. तो अब ये हम ये वाला अगर हम कहें कि जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन्स, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो. ठीक है. तो जीन्स कुछ ऐसे जीन्स भी है जो आरएनए नहीं बनाती, जो प्रोटीन्स नहीं बनाती, बट वो जो जीन प्रोटीन बना रही है उसको कंट्रोल कर रही है. ठीक है. तो हम क्या कहेंगे? So now, then we come to cistron. ठीक है. या पहले हम exact definition पे आ जाएंगे. जीन क्या है? जीन versus cistron की हम बात कर रहे हैं. जीन is a segment of DNA which forms either
आरएनए और कंट्रोल्स आरएनए फॉर्मिंग जीन्स. Whereas the specific gene which forms mRNA and proteins is called as cistern. है तो ये भी gene है, but जो जीन क्या बना रही है, एमआरएनए एंड प्रोटीन बना रही है, उसको हम कहते हैं सिस्ट्रॉन. इज इट राइट? सो दिस इज जीन वर्सेस सिस्ट्रॉन. ठीक, तो जीन क्या है और सिस्ट्रॉन क्या है, राइट? तीसरी बात आ जाती है बेटा, सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा क्या है? डीएनए है या जीन है या सिस्ट्रॉन है, उसके पास किसी भी एंजाइम का, प्रोटीन का ब्लूप्रिंट है, कोडेड इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन पासेस इट्स कोडेड इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए. एमआरएनए के पास भी कोडेड इंफॉर्मेशन ही गई, इसने पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट इसको पास, और फिर एमआरएनए ने डी कोड्स विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, उसको डी कोड करके फिर एक प्रोडक्ट बनाया. वो क्या था? प्रोटीन. पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए to mRNA and then to protein is called as central dogma. ठीक है, तो simple. ये थोड़ा सा लाइन लगाते रहो ताकि आपको पता चलता है. Passing of information from DNA to mRNA to proteins is called as central dogma, and this central dogma, it was proposed by Crick. Watson and Crick, आपको याद है? Who proposed model of DNA? ठीक है, तो central dogma was proposed by Crick. तो सबसे पहले ये हमने कल भी किया था, ये तो नए बच्चे जो आए हैं उनके लिए मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया. उसके बाद आपने लिखना है कि जीन क्या चीज है, अगर जीन की सिंपल डेफिनेशन आ जाए, बट जीन और सिस्ट्रॉन को स्पेसिफिक करना हो तब हम ये डेफिनेशन लिखेंगे कि जीन क्या है और सिस्ट्रॉन क्या है. सेंट्रल डोग्मा मैंने आपको बता दिया कि एक सेल के पास न्यूक्लियस में एक कोडेड इंफॉर्मेशन है, उसने एमआरएनए को इंफॉर्मेशन दी, एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया, प्रोटीन फैक्ट्रीज को उसने उसके साथ ज्वाइन करके, दैट इज राइबोसोम्स के साथ ज्वाइन करके उन्होंने प्रोटीन बनाया, राइट? तो आप ये पहले नोट कर लो और फिर हम आगे चलते हैं. चलिए जी, अब मुझे ये बताइए बेटा, दोबारा से मैं पूछ रही हूँ, पहले थोड़ा सा नए बच्चों से हम पूछ लें. हाँ जी अर्शप्रीत, मुझे ये बताइए कि ये वन क्रोमोसोम है कि टू क्रोमोसोम है बेटा? मम टू. टू क्रोमोसोम है. कोई और बताएगा मुझे बेटा? सरगम आप बताओ बेटा, वन की शिवांशी बताएगी. शिवांशी, वन की टू क्रोमोसोम? हाँ बेटा, आज प्रीत और बाकी के साथ, दिस इज वन मेटाफेजिक
chromosome having two sister chromatids. Joined by centromere. ये सेंट्रोमियर है, दिस इज सेंट्रोमियर. ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, ट्विन सिस्टर्स है ये. ठीक है जी, इस टाइम पे इसको एक ही क्रोमोसोम कहेंगे. एनाफेज में क्या हो रहा है, दी सिस्टर क्रोमेटिड्स हम इस तरह से दिखा देते हैं. एनाफेज में ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक एक गैप आ जाता है, ये बीच में से सेंट्रोमियर ब्रेक्स. एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट्स. इससे क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड. अब ये जो है ये सेपरेट हो गई है और फिर ये हम ये कह सकते हैं, अब ये जब ये ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगी देन दे एक्ट एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम. अब ये क्या हो गए हैं, टू क्रोमोसोम्स. ये ध्यान से समझना है कि जब ये चीज है तो ये एक ही क्रोमोसोम है, एक ही एंटिटी है, एक ही स्ट्रक्चर है, बट जब ये दोनों अलग अलग हो गए तब ये अलग अलग क्रोमोसोम हो गए. इज एवरीबडी क्लियर? अन्ना वर्ष प्रीत भव्य हरगोन म्याल. यस मैम. सक्षम सरगम शिवांशी. एवरीबडी क्लियर? यस मैम. ठीक है, कि ये एक ही एंटिटी थी बट एनाफेज पे जब सेंट्रोमियर अलग हो गया तब ये दोनों अलग अलग हो गए और देन ईच वन एक्ट्स एज द सेपरेट क्रोमोसोम. इज इट ओके? ठीक है हरगोन. ठीक है जी, ये लिख लो पहले. ये सब एक चीजें हैं, ये कोई एक टॉपिक नहीं है, ये छोटी छोटी मैं कंसेप्ट्स बता रही हूँ आपको कि अगर ये दे दिया जाए मेटाफेसिक क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स बट इज इट रिगार्डेड एज सिंगल क्रोमोसोम कि टू क्रोमोसोम. इट इज रिगार्डेड एज सिंगल क्रोमोसोम बट इट एनाफेज व्हेन द सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड देन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर रिगार्डेड एज सेपरेट क्रोमोसोम. राइट? ठीक है, बनाओ ये. चलिए जी, अब मुझे ये बताइए बेटा कि अगर हाँ जी सरगम, नाउ टेल मी विच इज दिस कंडीशन, मोनोप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, क्या है ये मैम? लाइक मोनो डिप्लॉयड,
डिप्लॉयड, क्योंकि हर क्रोमोसोम की, ये कार्बन कॉपीज की नहीं बात कर रही है, हर क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, इट इज डिप्लॉयड. मयंक ये क्या है बेटा, हर क्रोमोसोम चार चार के ग्रुप में प्रेजेंट है. अब ये क्या है, ये दोनों या ये चारों, ये कैसे है, होमोलोगस क्रोमोसोम. जो एक जैसे है, जिनका साइज एक जैसा है, जिनकी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एक जैसी है, जिसमें एक ही नंबर की जीन्स प्रेजेंट है, सेम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, जिसमें सेम टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है. तो हम बात करते हैं अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दीज आर द क्रोमोसोम्स. जनरली अगर हम डिप्लॉयड में करें तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, बट सिंपली क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ जीन्स, पोजीशन ऑफ जीन्स एंड द टाइप ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, इधर देखो, कुछ नहीं लिखना इधर, सबसे पहले होमो, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन दे हैव 46 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, 46 क्रोमोसोम्स का मतलब है 23 pairs of chromosomes. In each pair, one chromosome is maternal and other chromosome of the pair is paternal, जो फादर से आए, क्योंकि अगर हम देखें ये है फीमेल एग, इसमें 23 क्रोमोसोम्स है, इनटू ये है स्पर्म, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स, और फिर बना जाइगोट, तो 23 पेयर्स आ गए, क्योंकि जितने 23 क्रोमोसोम्स जो मदर से आए थे, सेम ही क्रोमोसोम्स फादर से आए हैं, अलग नहीं है, सेम ही है, बिल्कुल सिमिलर है. इसका मतलब है कि ये मैटरनल क्रोमोसोम है और दिस इज
पैटर्नल क्रोमोसोम, सेम ही जीन्स है, बिल्कुल यही जीन्स यहां पर भी प्रेजेंट है। अगर ये वन जीन है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, आप कर लेना, सेवन जीन्स मैंने बनाई है, आपको थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा होगा बट वैसे मैंने बता दिया सेवन जीन है और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। तो इफ फर्स्ट जीन ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम कंट्रोल्स हेयर कलर, देन फर्स्ट जीन ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम ऑल्सो कंट्रोल्स हेयर कलर। और ये सिर्फ मेरे में नहीं, ये तो चलो मैंने एक एग्जांपल ले ली, हो सकता है फर्स्ट जीन कुछ और कंट्रोल करिए, बट मुझ में, आप में, शिवांशी में, सरगम में, अर्थप्रीत में, हरगुन में, भव्य में, सब में सेम ही नंबर की जीन्स है, सेम लोकेशन है जीन्स की और सेम करेक्टर। अगर फिफ्थ जीन जो है वो पेप्सिन को कंट्रोल, पेप्सिन एंजाइम बना रही है, तो मेरे में भी पेप्सिन बना रही है, आप में भी फिफ्थ जीन पेप्सिन बना रही है, और कोई ए बी सी डी इंसान है उसमें भी फिफ्थ जीन पेप्सिन ही बना रही है। ठीक है, तो जो फादर से फर्स्ट क्रोमोसोम आया, इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ द मदर, एंड द टू दे फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम। इज इट ओके? ठीक है, सो दिस इज होमोलोगस, दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बट ये पेयर इस पेयर से डिफरेंट है, ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम से डिफरेंट है, साइज में, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर में, टाइप ऑफ जीन्स में, नंबर ऑफ जीन्स में। तो ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स हेटरोलोगस क्रोमोसोम्स है, इज इट राइट? सो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। जो नॉन होमोलोगस है उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो ये वन और ये वन डैश, ये टू और ये टू डैश। तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वन एंड टू आर हेट्रोलोगस, वन डैश एंड टू, वन डैश एंड टू डैश, वन एंड टू डैश, अगेन सारे जो है आर हेट्रोलोगस। होमोलोगस कौन से है? वन एंड वन डैश आर होमोलोगस, टू एंड टू डैश आर होमोलोगस, बट ये और ये अगर इनका आपस में रिलेशन देखा जाए दे आर हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। इज इट ओके? लिखो ये जल्दी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ये दो मार्कर्स हैं, सब कुछ सेम है, दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस, वी मे कॉल देम एज होमोलोगस, बट दोनों में फिर भी डिफरेंस है, वन इज ब्लैक, वन इज ब्लैक एंड अनदर इज रेड, राइट? इसी तरह से हमारा वन पेयर ऑफ शूज होते हैं, ब्लैक शूज है, वन पेयर ऑफ ब्लैक शूज, बट क्या फर्क है? एक राइट फुट में ही आएगा, एक लेफ्ट फुट में आएगा। इसी तरह से हमारे जो क्रोमोसोम्स है इनमें जो जीन्स है, हमने कहा है जो फर्स्ट जीन है इट इज कंट्रोलिंग हेयर कलर,
but one gene is controlling, you know, black hair color, another is controlling brown hair color. ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग ही कंट्रोल करें. हो सकता है दोनों ही ब्लैक को कंट्रोल करें, या फिर दोनों ही ब्राउन हेयर कलर को कंट्रोल करें. ऐसा भी हो सकता है. बट पूरी पॉपुलेशन में, लेट अस से फॉर एग्जांपल, एक जीन है हेयर कलर के लिए, पूरी पॉपुलेशन में उसकी दो फॉर्म्स है, या तो वो ब्लैक हेयर बनाएगी या ब्राउन हेयर बनाएगी. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इनको, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोसाई. लोसाई मतलब पोजीशन, सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है ऑन होमोलोगस पेयर. होमोलोगस हम डिप्लॉयड की, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड, तो हम कंडीशन डिप्लॉयड की ही लेकर चलेंगे. ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स are called as alleles. ठीक है, so what are alleles? Different morphological forms of the same gene. These are called as alleles. Where these are present? एक क्रोमोसोम पे नहीं होंगी, दो अलग क्रोमोसोम्स पे होंगी, बट वो दोनों कैसे होने चाहिए? होमोलोगस पेयर होना चाहिए. ठीक है, so alternate forms of the same gene present on same loci on homologous chromosomes are called as alleles. If the alleles of a gene are same on homologous chromosomes, condition is called as homozygous. तो ये जो दोनों conditions है, ये वाली और ये वाली, ये है homozygous. If the alleles of a gene on homologous pair are different, then we call it as heterozygous. This one is heterozygous. जैसे आपने 10th में पढ़ा था, अगर एलील एक ऑर्गेनिज्म में ये वाली है या फिर ये वाली है, दोनों एलील सेम है, या ये दोनों टॉलनेस के लिए या दोनों ड्वार्फनेस के लिए है, this is होमो, आगे खुद करना होमोजाइगस. एंड इफ टू एलील्स आर डिफरेंट, इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस. सो दिस इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. करो फटाफट. अब जो बेटा हेट्रोजाइगस है, ये कैसे आया? ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन से, इसलिए चलो ये हम बाद में करेंगे, बट हेट्रोजाइगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड.
दो अलग चीजें जब मिले तो उसको हम कह देते हैं हाइट, सो दैट इज हाइट फिट. अब ये एक जीन है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं. तो ये है मोनोहाइब्रिड. अगर लेटर से एक ये जीन है, एक ये जीन है, दोनों ही हाइब्रिड है, दिस इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड. अगर या इस तरह लिखे, अगर ये तीन जीन्स ले रहे हैं, तीनों हाइब्रिड है, तो दिस इज ट्राया हाइब्रिड. अब जो मैं आपको बताऊंगी वो आपने कुछ मैं पूछूंगी, आपने मुझे बताना है. ये कौन सा हाइब्रिड है? ये कौन सा हाइब्रिड है? ये कौन सा हाइब्रिड है? चलिए जी जल्दी से. ये बताइए ये कौन सा हाइब्रिड है जल्दी से. ये अर्णव ने बताना है, ये ऐशप्रीत ने बताना है, ये हरगुन ने बताना है, शिवांशी, सक्षम, सरगम. चलिए जल्दी से फटाफट से. हाँ जी अर्णव, ये क्या है? मोनो हाइब्रिड, डाया हाइब्रिड, ट्राया हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, क्या है ये? मैम माय सेकंड वन इज मे बी मोनो हाइब्रिड. एक मिनट बेटा, पहले तो बिल्कुल ठीक है अर्णव ने ये मोनो हाइब्रिड बताया, एब्सोल्युटली करेक्ट. और बहुत सारे बच्चे इसको बेटा ट्राया हाइब्रिड कहेंगे, बहुत सारे मैंने देखा टीचर्स भी कह रहे थे ट्राया हाइब्रिड कि तीन जीन स्टडी कर रहे हैं. नहीं, एक ही तो हाइब्रिड जीन है, बाकी तो हाइब्रिड है ही नहीं. सो दिस इज मोनोहाइब्रिड. अर्शप्रीत ने भी ठीक बताया बेटा, क्योंकि सिर्फ वाई जीन हाइब्रिड है, सो दिस इज ऑल्सो मोनोहाइब्रिड. हरगुन आप बताइए, डाया हाइब्रिड, वेरी गुड, दिस इज डाया हाइब्रिड. सक्षम आप बताइए बेटा. मैम डाइहाइड्रेट. देख लो जरा ये क्या है. मैम मेरा वो नीचे वाला. मेरा तो ये ट्राइहाइब्रिड होगा. अच्छा ये यस, शिवांशी इज ट्राया हाइब्रिड, वेरी गुड. और सक्षम ने बताया डाया हाइब्रिड. देखो बेटा जरा ध्यान से, सेक्शन ये वाला ध्यान से देखो. यस मैम. हाँ जी सेक्शन क्या है ये? नहीं हाइब्रिड जीन्स है तो बेटा दिस इज मोनो हाइब्रिड, एक ही हाइब्रिड जीन है. एंड सरगम ये वाला
मैम ट्राई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड 1, 2, 3 तीन हाइब्रिड जीन्स है सो दिस इज ट्राई हाइब्रिड सो इज इट क्लियर ठीक है जी सबको ये क्लियर है कौन सा मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड क्या है राइट अब आ जाते हैं बेटा मैम हाँ जी बेटा मैम आपने लिखा है अल्टरनेट फॉर्म्स फर्स्ट लाइन मैम वहां पर अल्टरनेट फॉर्म्स वो मैम मुझे समझ नहीं आया अच्छे से अल्टरनेट फॉर्म्स मींस या कैपिटल टी या स्मॉल टी राइट ये डिफरेंट फॉर्म्स आप अल्टरनेट का कंफ्यूजन छोड़ो आप लिख दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम चीज मैम लाइक ब्लैक ब्लैक और ब्लैक ब्राउन मतलब ब्लैक एंड ब्राउन ये है वैसे तो ब्लैक ब्लैक मतलब जो दो क्रोमोसोम्स से होमोलोगस क्रोमोसोम्स से सेम जीन की जो फॉर्म्स पड़ी है उनको एलील्स कह सकते हैं ओके मैम राइट तो हो सकता है दोनों एलील सेम हो सकता है दोनों एलील्स डिफरेंट हो ओके मैम अब बेटा गैमेट्स बनाने की बात हम करते हैं कैसे बनते गैमेट फॉर्मेशन अब आ जाता है एक ये क्रोमोसोम है और मैं बहुत ज्यादा न्यूसेस में जा नहीं रही कि मैं डबल डबल क्रोमेटिड्स बना रही मैं सिंपल फॉर्म में बता रही ठीक है यहां पे है कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पे है कैपिटल ए स्मॉल न्यूसेस में क्या होता है बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो जाती है ये इधर चला गया ये इधर चला गया मतलब कैपिटल टी के साथ चला गया कैपिटल ए स्मॉल टी के साथ चला गया स्मॉल ए या फिर और भी हो सकता है ना अदर पॉसिबिलिटी क्या है कि इट मे बी पॉसिबल कि ये इधर चला गया कैपिटल टी ये इधर चला गया स्मॉल टी हो सकता है स्मॉल ए यहाँ पे चला जाए और कैपिटल ए यहाँ पे चला जाए क्योंकि ये तो एक बाई चांस फिनोमिना है ठीक है जैसे मेल गैमेट से बहुत सारे बनते हैं बहुत सारे सेल्स में मेयोसिस होती है किसी सेल्स में ये दो बन जाएंगे ये दो गैमेट्स बनाएंगे और किसी सेल में ये दो गैमेट्स बनाएंगे राइट सो ये बन गैमेट्स आपको पता चल गया कैसे बनते ठीक है तो अब हम देख तो नहीं सकते अभी कैसे बनेंगे ये अलग अलग करके ये तो मैंने बता दिया बट जल्दी हमने करना हो तो क्या फॉर्मूला है ठीक है तो फॉर्मूला आ जाता है 2 to the power n इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स n is equal to number of hybrid genes. अगर ये वाली condition है a a b b c c d d कोई भी hybrid condition नहीं है कोई भी hybrid gene नहीं है तो इसमें n is equal to 0 हम क्या करेंगे 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1 सिर्फ एक टाइप का गैमेट बनेगा कैसे हर जीन ये जीन है ये 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 हर जीन की जो दो फॉर्म्स है वो अलग अलग हो जाती है तो ए बी सी डी ये गैमेट बन गया दूसरी तरफ यही सेम टाइप का ही गैमेट बनेगा
तो कितने टाइप के गैमेट बने? एक ही टाइप का गैमेट बना, ये बात ठीक है। अब आ जाइए ए ए बी बी, ए ए बी बी, फटाफट से नंबर ऑफ गैमेट्स और कौन कौन से गैमेट्स बने हैं ये बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ गैमेट्स टू है, कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे इसमें? अलग करो, कैपिटल ए को अलग करो, स्मॉल ए को अलग करो, और फिर कैपिटल बी, कैपिटल बी, ये दो टाइप के गैमेट्स बने, और तो कोई बन ही नहीं सकता। हाँ जी, नेक्स्ट शिवांशी बेटा। मैम फोर बनेंगे, हाँ कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, हाँ और स्मॉल ए स्मॉल बी, एंड स्मॉल ए कैपिटल बी। वेरी गुड, वेरी गुड शिवांशी। सो दीज आर द फोर गैमेट्स फॉर्म्ड। नेक्स्ट मयंक, इसमें बताओ। मैम वन, वन गैमेट बनेगा, कौन सा बनेगा? ए बी ओनली, ए बी ही बनेगा, एक ही टाइप का, टाइप बताने हैं, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। अर्नव आप बताइए बेटा। जल्दी से, इतनी देर अर्नव मुझे मैसेज करता है। हरगुन आप बताओ बेटा। मॉम टू, टू गैमेट बनेंगे। कैसे टू बने? क्योंकि एक ही हाइब्रिड जीन है, राइट right? एक हाइब्रिड जीन है। अर्नब सुन ले बेटा, तुम्हारा भी एक जैसा ही है, ये एक ही हाइब्रिड जीन है, ये तो हाइब्रिड है ही नहीं। तो हमने n इज इक्वल टू वन, टू रेज टू पर वन इज टू, तो टू टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ये दोनों एलील्स अलग अलग कर लो, ये और दूसरी ये, और स्मॉल बी और उसको भी स्मॉल बी अलग कर लो। अब बताओ अर्नब कितने गैमेट्स बनेंगे बेटा? टू, कौन से बनेंगे? जल्दी से, कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे? लेट अर्नब टेल। ए और ए गैमेट नहीं बन सकता है, ये तो अलग हो जाएगा। ये देखो ना बच्चे, ये है आपका, तो इसमें कैपिटल ए तो है ही नहीं। कैपिटल ए कहाँ है इसमें? इसमें तो है ए एंड ए, इसके साथ आ गया कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। राइट, everybody clear? Yes ma'am. So these are the type of gametes. ठीक है जी, तो बच्चों को gametes बनाने में दिक्कत होती है, but कोशिश करो, एक मैं तुम्हें थोड़ा सा बड़ा दे दूं, आप हर कोई कोशिश करो कि क्या क्या combinations हो सकते हैं। जल्दी से एवरीबॉडी, ठीक है? दो है, एक ही है? नहीं, ये अलग अलग है बेटा, इनके गैमेट्स बनाओ जल्दी से, ये आज की लास्ट टास्क है आपकी।